जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफपा के करंट न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 7th-8th मई के करंट न्यूज स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्कैन द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज है, यूनिसेफ हैज पब्लिश्ड अ रिपोर्ट नेम्ड यूएन द लॉस्ट एट होम रिपोर्ट। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम है लॉस्ट एट होम। इस रिपोर्ट के अनुसार 33 मिलियन लोगों को अपना घर छोड़ के दूसरे जगह पर रहने जाना पड़ा। इसमें 25 मिलियन लोग नेचुरल डिजास्टर की वजह से अपना घर छोड़कर गए, वहीं 8.5 मिलियन लोग कॉन्फ्लिक्ट या फिर वायलेंस के चलते अपना घर छोड़कर बाहर जाकर बसे। इन 33 मिलियन में 12 मिलियन चिल्ड्रन भी थे। इंडिया की बात करें तो इंडिया के 50.37 लाख पीपल को अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ा। इंटरनली यानी इंडिया में ही ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो गए। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हेनरिएटा फोर। हम ये काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, अब आपको ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान लॉन्च। सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान लॉन्च किया है नीति आयोग ने। 7 स्टेट्स में 2.9 मिलियन यानी 29 लाख सीनियर सिटीजन्स को ये कैंपेन रीच करेगा। इसका मेन फोकस है कोविड-19 से इन सीनियर सिटीजन्स को बचाना, क्योंकि कोविड-19 जो हो रहा है ये ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स में फैल रहा है और मोर्टेलिटी रेट इसका सीनियर सिटीजन्स में सबसे ज़्यादा है। इस वजह से इस अभियान के अंतर्गत दादा दादी और नाना नानी जो से केसेस में 50+, 60+ होते हैं, इन्हें बचाने के लिए ये अभियान को लॉन्च किया गया है। इसका मेन एम है कोविड-19 के सिम्टम्स ट्रैक करना और अर्ली डिटेक्शन करना, जिससे इसे फैलने से रोका जा सके और मोर्टेलिटी रेट कम किया जा सके। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं। इंडिया में टोटल 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है अक्रॉस दी 28 स्टेट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाला कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जनवरी 2018 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाना 117 डिस्ट्रिक्ट्स का, जिससे यहाँ पे प्रोग्रेस हो सके, डेवलपमेंट हो सके। इस जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते हैं इनकी रियल टाइम प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है। 3 प्रिंसिपल्स पर ये डिपेंडेंट होते हैं। कॉन्वर्जेंस, दूसरा कोलैबोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों के बीच में प्रॉपर कोलैबोरेशन होना चाहिए जिससे दोनों मिलकर उस प्रॉपर शहर का डेवलपमेंट कर सके। तीसरा कॉम्पिटिशन, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट है ए डिस्ट्रिक्ट, वहाँ की स्वच्छता ज़्यादा अच्छी है तो दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ऑल ओवर उनमें कॉम्पिटिशन होना चाहिए ताकि वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के कंपेरिजन में आगे जा सके। इस तरह के कॉम्पिटिशन का एक ही रिजल्ट निकल कर आएगा कि सारे डिस्ट्रिक्ट में स्वच्छता वहाँ पर बन जाएगी। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वहाँ पे कंपटीशन हो सकते हैं, जिनके चलते इन पर्टिकुलर 117 डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है, एमपी बिकम्स द फर्स्ट इन कंट्री टू प्रोवाइड मिड डे मील रेशन। मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना देश में मिड डे मील रेशन प्रोवाइड करना शुरू किया है। टोटल 117 करोड़ रुपीज ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए 66.27 लाख स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के अकाउंट में, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, यहां के गवर्नर है लालजी टंडन। नेक्स्ट है, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट शूट्स अप टू 27.11% एमिड कोविड-19 क्राइसिस। कोविड-19 क्राइसिस के दौरान इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट 27.11% तक पहुंच गया है। एक चौथाई हिस्से, एक क्वार्टर से भी ज़्यादा लोग इंडिया में अब अनएम्प्लॉयड है ड्यू टू कोविड-19। ये रिपोर्ट हमारे सामने लाई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है एस ए दवे, एमडी और सीईओ है महेश व्यास। नेक्स्ट है, इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम हैज मोर इंटरनेट यूजर्स इन रूरल एरियाज देन अर्बन। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसका नाम है डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया में रूरल एरियाज में इंटरनेट यूज करने वाले 227 मिलियन लोग पाए गए हैं, जो कि अर्बन एरियाज से 10% ज्यादा है। अर्बन एरियाज में 205 मिलियन लोग एक्टिव इंटरनेट यूज करते हैं।
कुछ और भी फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट की, इंडिया में अब 504 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हो गए हैं, वहीं चाइना में ये आंकड़ा है 850 मिलियन यूजर्स का। इस हिसाब से इंडिया बन गया है अब सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर चाइना के बाद। यूएस में यही आंकड़ा 280 से 300 मिलियन का है। 71 मिलियन किड्स ऐसे हैं जो अपने किसी रिश्तेदार के या फिर फैमिली मेंबर के डिवाइस का यूज कर ऑनलाइन जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई 5 साल का बच्चा है, 5 से 11 साल का बच्चा आपके घर में होगा और वो अगर आपका फ़ोन यूज़ करके ऑनलाइन जाता है, अपने फेसबुक अकाउंट पर जाता है, तो वो इन बच्चों में आएगा, 71 मिलियन किड्स में आएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देर वॉज एन इंक्रीज इन फीमेल इंटरनेट यूजर्स एट 21%, यानी 21% का इंक्रीमेंट देखने मिला मार्च नवंबर पीरियड में फीमेल इंटरनेट यूजर्स का। वहीं मेल इंटरनेट यूजर्स बढ़े हैं 9% से। ये सिर्फ मार्च 2019 से नवंबर 2019 की बात हो रही है। वहीं इंटरनेट पेनिट्रेशन के मामले में दिल्ली सबसे टॉप रहा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में, फॉलोड बाय केरला। इंटरनेट पेनिट्रेशन मतलब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंटरनेट यूजर्स मुंबई सिटीज के मामलों में सबसे टॉप पर है। नेक्स्ट है, CSIR लॉन्च्ड कंपेंडियम ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजीज टू टैकल COVID-19 पैंडेमिक। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक कंपेंडियम बनाया है इंडियन टेक्नोलॉजीज का, जो COVID-19 से फाइट करने में यूज की जा रही है। इन टेक्नोलॉजीज को 3 T's में कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ये 3 T's है, ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। कंपेंडियम मतलब एक डॉक्यूमेंट, एक कंसाइज डॉक्यूमेंट जिसमें पूरी तरह से एक पर्टिकुलर इशू के बारे में आपको समझाया जाता है। तो इस कंपेंडियम में COVID-19 से कॉम्बैट करने वाली इंडियन टेक्नोलॉजीज के बारे में समझाया गया है। NRDC यानी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है H. पुरुषोत्तम, हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। India's energy demand falls by 30% due to COVID-19 lockdown. COVID-19 lockdown के चलते इंडिया की एनर्जी डिमांड 30% से नीचे गिर गई, ऐसा मानना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अपने रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 में। ईरान अप्रूव्स करेंसी डिनोमिनेशन बिल टू स्लैश 4 ज़ीरोज़ फ्रॉम इट्स करेंसीज, यानी रियाल को अब टोमान में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 10 ज़ीरोज़ हटा के। यानी एक 10,000 रियाल मतलब होगा एक टोमन। तो अगर आपसे अब पूछा जाए ईरान की करेंसी क्या होगी, तो उसका आंसर होगा टोमन। नेक्स्ट है, UNEP एक्सटेंड्स बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जाज टर्म एज गुडविल एम्बेसडर टिल 2022। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने दिया मिर्जा का गुडविल एम्बेसडर का टर्म 2022 तक के एक्सटेंड कर दिया है, यानी 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। दिया मिर्जा 2017 में गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट की गई थी और दिया मिर्जा यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स की एडवोकेट भी है। UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंगर एंडरसन। नेक्स्ट है, मुस्तफा अल कदीमी स्वॉन इन एज 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक। मुस्तफा अल कदीमी 6th प्राइम मिनिस्टर चुने गए इराक के। नवंबर 2019 में इराक के 5th प्रेसिडेंट आदिल महदी इनको रिजाइन करना पड़ा था क्योंकि एंटी गवर्नमेंटल प्रोटेस्ट काफी हो रहे थे इराक में। उसके बाद 6th प्राइम मिनिस्टर बने हैं मुस्तफा अल कदीमी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2020 ऑब्जर्व ऑन 7th मई। 7th मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ऑब्जर्व किया गया। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है एथलेटिक्स से रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए और यूथ को स्पोर्ट्स के प्रति आकर्षित करने के लिए, इंकरेज करने के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। पहला वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 1996 में सेलिब्रेट किया गया था, जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट प्राइमो नेबियोलो इन्होंने लॉन्च किया था। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर है मोनैको में, प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।